नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह, और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। कोरोना काल में लोगों को सरकार दे रही है निवाला। जी हां, यूपी के बदायूं जिले के थाना इस्लाम नगर अंतर्गत ग्राम राजथल में राशन डीलर सरकार द्वारा बताए गए मानक के अनुसार बांट रहे हैं राशन। कोरोना काल में गरीबों को मिल रहा है निवाला। हमारे संवाददाता ने यहां लोगों से बात की तो पता चला कि उनको पूरा राशन दिया जा रहा है। प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जा रहा है। देखिए महिला थाना बदायूं से नितिन कुमार की रिपोर्ट। आप यहाँ राशन लेने आए हैं? कितने हो रहे आपके परिवार में? दो। क्या क्या मिल रहा है? सब सौदा मिल लो। क्या क्या? गेहूँ, चावल, चना और चना। ठीक, राशन ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र यादव। आपके यहाँ पर कितने राशन कार्ड हैं? 207। कितने APL? APL हैं 200। और BPL? BPL नहीं, PH कार्ड है 200। PHS। और अंतोदय 7। आपका परिचय? मेरा नाम रामवीर सिंह, मैं रोजगार से ऊपर यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगाई गई राशन वितरण में, और सही ढंग तरीका से बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह। कल से वितरण करा रहा हूँ। और आपका नाम क्या है? रामवती। आपके परिवार में कितने यूनिट हैं? 2 यूनिट हैं। मुझे मालूम है। आपको क्या क्या मिलता है यहाँ से? सब सौदा मिलते। क्या क्या सब सौदा? कांग्रेस सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री। जी हां, धार जिले के बदनावर तहसील में विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ कार्यक्रम में पहुंचे। कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित श्री कांति लाल भूरिया, बाला बच्चन जी, पूर्व गृह मंत्री बाल मुकुंद सिंह गौतम, मंत्री पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक मुरली मोरवाल, विधायक रामलाल मालवीय व समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं श्री नाथ का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में जाने से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी। अब हम फिर से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे, और 24 विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की एक रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में सौदेबाजी बनी है, वहीं मंत्रिमंडल में सौदेबाजी से तय हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भ्रष्ट भाजपा हमारे 15 माह के कार्यकाल की जांच पक्के तरीके से कराए, हमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ ने यह भी दावा किया कि हम फिर से एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। देखिये बदनावर से चंद्रकमल पाटीदार की रिपोर्ट। मैं नाम नहीं लेना उचित नहीं समझता, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है। मैं मीडिया की राजनीति नहीं करता। सबसे कम मुख्यमंत्री आपने टेलीविजन में देखा होगा। मैं कोई अखबारों में नहीं आता, क्योंकि जो होता है अगर आपको उस दिख जाए, आप तक पहुंच जाए, तो मुझे मीडिया और टेलीविजन की जरूरत नहीं है, आप तक पहुंच जाएगा। तो मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके भविष्य का है तो सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी चुनौती ये नई पीढ़ी की है। आज प्रश्न हमारे किसान भाइयों का है कि हम कैसे कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाएं, कैसे हमारे किसानों के साथ न्याय हो। नावर का झंडा, कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के लिए मनीष। युद्ध चालू रहा, जब ये युद्ध चल रहा था बहुतों को तकलीफ हुई, माफिया को तकलीफ हुई, मिलावटीखोरों को ज्यादा हुई। ये सब आप सबके सामने है, ये तस्वीर आप सबके सामने है। और मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये तस्वीर सबको दिखाइए। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ जरूर दीजिएगा। सच्चाई का साथ दीजिएगा, ये तस्वीर देख लीजिए, सच्चाई पहचान लीजिए,
सच्चाई का साथ दीजिएगा, इन नौजवानों का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा, मध्य प्रदेश का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा। लंबी चौड़ी बातें करेंगे, कुछ नहीं हुआ। अभी सिंचाई योजना की बात कर रहे थे, मैं जानता था क्या करना धार में बदलावर, एक एक बूंद पानी गुजरात चला जाता। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश का पानी गुजरात नहीं जाने दूंगा, मैं मध्य प्रदेश का पानी कितना भी खर्चा होए अपने किसानों को, अपने किसानों तो पहुंचाऊंगा माइक्रो इरिगेशन स्कीम से। मैंने कहा था कि मैं गौशाला बनाऊंगा, आप गवाह हैं, गौशाला बनने की शुरुआत हुई। ये तो शुरुआत थी, कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने गौशाला की योजना बनाई, कौन सा पाप मैंने किया था कि महाकाल की 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई। ये मेरे प्रश्न है आज इन सब के सामने कि आप तो सौदा कर लिया आपने कांग्रेस से, तो भारतीय किसान यूनियन वालों ने मोदी का पुतला फूंका। जी हां, खबर पंजाब से है जहां जिला फिरोजपुर थाना मुख्य क्षेत्र का मामला है, जहां भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मोदी जी का पुतला फूंका गया। जहां भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि अगर हमारी मांगे ना मानी गई तो हम संघर्ष और तेज करेंगे। मौके पर पंजाब के प्रधान ने क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं पंजाब से मंगल सिंह मखू की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन ਮਖੂ ਬਿਆਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਗਮਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਿਤਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਰਾਜੇ ਗਲ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਾ ਆ ਜਾ मोदी सरकार जो दूसरी टर्म से आई है, इसने किसान माफ नीतियां बनाईया ने, कोरोना की आड़ हेठ एक एक करके आर्डीनेंस जारी करी है। बड़ी हैरानगी की गल है, अज 70 साल के इतिहास के जो कद भी आर्डीनेंस कोई जारी किया गया, जहाँ का कोई एमरजेंसी हो जिते कोई लोग सभा कच्ची ना हो सकती हो, फिर आर्डीनेंस जारी किए जाते हैं। पर मोदी सरकार कोरोना की महामारी की आड़ हेठ लगातार जो आर्डीनेंस जारी कर रही है, जिसका भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल इसका विरोध करती है, तो ही चेतावनी देती है कि जेकर किसान वोट की आर्डीनेंस से रद्द ना किया तो पंजाब के नहीं देश के किसान चुपनी पुछे और इनू आने वाले समय में इनका जरा खमियाजा भुगतना पाएगा। मैं जन शक्ति पंजाब भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल, अज असी पंजाब पद्धर से जो भी हिंदुस्तान गौरमेंट ने 3 आर्डीनेंस जिहड़े किसान विरोधी जारी किए उनके संबंध के पंजाब दियां वख-वख थावां ते साडी जथेबंदी वालों जिहड़ा पीएम मोदी जिहड़ा किसान विरोधी चेहरा जिहड़ा नंगा होया है, उनके संबंध च जिहड़े किसानां दे खिलाफ 3 आर्डीनेंस जिहड़े सरकार ने जिहड़े जारी किए आ,
जिंदे विच एम एस पी सब तो मेन मंग जिहड़ी साडी एम एस पी है जिहड़ी पंजाब ते हरियाणे तो सरकार जिहड़ी खत्म करन जा रही है उहदे संबंध दे विच असी जिहड़ा प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूकिया इस तो अगे जिहड़ा आने वाला साडा आने वाला 20 तरीक है उहदे विच बहुत वड्डा वड्डे पद्धर ते एजीटेशन असी पंजाब लैवल ते करन जा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन राजेवाल वालों जिहड़े पंजाब दीआं सड़कां दे उत्ते तुहानू जिहड़े ओह किसानां दे ट्रैक्टर ते कपैना ही दिसणगीआं क्योंकि ओह साडा एक वक्खरा नवेकले ढंग दा एजीटेशन होवेगा उस दे संबंध विच जिन्ना चिर जिहड़े आर्डीनेंस सेंटर गौरमेंट ने जिहड़े जारी कीते किसान विरोधी जे मोदी गौरमेंट इन्हां नूं वापस नहीं लैंदी ते मैं समझना पंजाब दे कोने कोने दे उत्ते जिहड़े बहुत वड्डे पद्धर ते एजीटेशन होणगे और पंजाब दे जिन्नियां वी किसान जथेबंदियां जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां ने ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ अजीतमल क्षेत्र में हुई भारी बारिश किसान हुए खुश। जी हां, जनपद अरेया के अजीतमल थाना क्षेत्र में आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश हुई है। इस बारिश से किसान खुशहाल हुए हैं। किसानों का यह कहना है कि बारिश से हमें अपने खेतों में अच्छी फसल करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। अगर बारिश समय समय पर होती है तो हमारी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो अत्यधिक मात्रा में पशु होते हैं और खेत के किनारे जो विशेष प्रकार की गौशाला भी बनी हुई है जहां पर गायों का रखा जाता है, उन्हें भी अपने शरीर को सहज महसूस किया। पक्षियों ने भी अपने आप को सहज महसूस किया। पेड़ पौधों में हरियाली आई है, ऐसा कहा जाता है। पेड़ पौधों के माध्यम से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, जैसे फल फूल लकड़ी ऑक्सीजन और दवाई भी प्राप्त होती है जो विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यह बारिश मनुष्य के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, बसरते बार बार इस समय समय पर बारिश होती रहे। देखें औरैया से अक्षय कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। अब दूसरो हाँ भाई साहब, यहाँ पर बारिश तो काफी तेज हुई है और यहाँ पर उपस्थित जो किसान लोग थे उनका ये कहना है इस बारिश से हमको एक तो शरीर में राहत मिली है, दूसरी यहाँ पर खेती जो है वहाँ पर खेत की जुताई भी स्टार्ट हो जाएगी। और आप देख रहे होंगे जैसा कि बारिश का भी पानी अभी चल भी रहा है तो यहाँ बारिश अच्छी हुई है। और मैं विकास सिंह वैसे फास्ट न्यूज़ इंडिया में कार्यरत मैं भी हूँ और सर यहाँ पर बड़ी बात करते हैं राजा, यहाँ पर बारिश हुई है तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्मी थी, ठंड का मौसम हो गया, बढ़िया ठंडा मौसम। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अब एक और व्यक्ति आए हैं उनसे भी पूछते हैं बारिश में आपको कैसा लगा? बारिश होना जरूरी थी, बारिश हो गई बहुत बढ़िया रहा, मौसम भी ठंडा हो गया, हर काम का काम चलने लगेगा। बारिश क्या होने से किसान बहुत परेशान रहता है। हाँ।
शिरोमणि कमेटी दल के वर्करों ने लगाया धरना। जी हां, पंजाब में जिला फिरोजपुर थाना मुख क्षेत्र में पंजाब सरकार विरोध धरना लगाया गया। पूरे पंजाब में हर शहर हर गांव में शिरोमणि कमेटी दल के तरफ से धरने लगाए गए। मखू में रणजीत सिंह चौक, जीरावाला मोड़, मल्लावाला रोड, जल्ला चौक आदि स्थानों पर धरने लगाए गए। देखिए पंजाब से मंगल सिंह मखू की रिपोर्ट। पंजाब श्रोमणी कमेटी दल वालों सारे पंजाब पिंड शहरों में धरने लगाए जाने जो कि पेट्रोल पंप की कीमतें फिर बढ़ जाते नीले कार्ड जो कहीं कैंसर कार्ड उत्ते हुए हुए हैं उन्होंने वास्ते धरना सारे पंजाब लगाया जा रहा है। सरकार वालों केंद्र सरकार वालों मंग है कि जो घोफलेबाजी हो रही है, जो पेट्रोलों के रेट के वैट लग रहे, इन्हें टैक्स लगते पे, इन्होंने बंद किया जाए, फिर जो लोगों को आराम ना सह मिल सके। इस करके धरने बहुत थाने लगे हुए हैं, जिले के मोड़ से लगे हैं, स्टेशन को लगे हैं, मल्ला रोड से जल चौक आदि बहुत थाव से धरने लगे हुए हैं। शहर के और तुम दिखाने वाले गलबात करते हैं इन्होंने की जड़े ने पंजाब सरकार वालों लाए गए हैं उन्होंने माफ़ कर दिया जाए। जिहड़े नीले कार्ड गरीबों के आधार कट्टे गए हैं उन्होंने दोबारा चालू करके गरीबों को जो बनता हक दिता जाए। जिहड़ियां गरीबों दी पेंशनां कट्टियां जा रही ने ना कोई महामारी के दौरान कितने कोई पहुँच सकता, किसी अफसर को कितने पहुँच कर सकता, उन्होंने जिहड़ियां पेंशनां कट्टियां गई वो तीन तीन चार चार महीने दी पेंशनां उन्होंने चालू करके दोबारा पाइया जाए। असीं इह पंजाब सरकार तो मंग करते हैं और दूजी मंग करते हैं कि जिहड़े राशन कार्ड के घोटाला किया गया असीं सी बी आई तो मंग करते हैं, श्रोमणी अकाली दल सी बी आई तो मंग करती है कि उन्होंने सी बी आई तो मंग करके जो दोषी ने उन्होंने सजावं दिखाई जाए और गरीबों जो बनती रहत है जो बनता राशन है उन्होंने तक मुहैया किया जाए। जिहड़ा रेत माफिया दीआं वड्डीआं जिहड़ियां रेतां दित्तियां गईआं ने और रैत माफा उन्होंने दित्तियां गई उन्होंने बंद करके गरीबों को राशन दिता जाए। गरीबों के खातों के कोई पांच पांच हज़ार रुपया कोई दो दो हज़ार रुपया गरीबों के पा जाए ता जो गरीबों को राहत मिल सके। इन्हां दी जिहड़ी पांच किलो कणक महीने की आउंदी सी वह भी बंद कर दिती गई, जिहड़ी उन्हां नूं दाल देण दा वादा कीता सी वह भी बंद कर दिता गया। अज पंजाब सरकार अज लोगों तक पहुँच नहीं रहे और उल्टा महामारी के दौरान चलदे आ बिजली के भारी बिल जिहड़े कि पंजाब सरकार ने ला दिते गए ने। असीं पंजाब सरकार तो मंग करते हैं कि जिहड़े बिजली के बिल ने उन्होंने माफ़ कर दिता जाए। लगाया गया श्रोमणी कमेटी दल सारे पंजाब से लगाया गया है जो मंगा है अपने बच्चों ने केंद्र सरकार को मंग करते हैं कि जो कुछ हो रहा वाले स्कूल या टीचर ने जिन्हें बहुत घोटेबाजी हो रही है स्कूल के बच्चों वास्ते माता वास्ते कोई इंसाफ नहीं मिल सकता उन्होंने सही तरह ये थे अभी कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।